हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है दिवांशु अलावत, आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ऑसम यूट्यूब चैनल। सबसे पहले ये पार्किंग देख लीजिए आप, कहाँ हम आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं, कैसे आए, वो सब मैं बताता हूँ। ये देखिए 100 रुपीज़ की टिकट है इसकी, 100 रुपीज़ है कार पार्किंग का, और अगर आप 2-व्हीलर से आते हैं तो उसकी 50 रुपीज़ है, ठीक है। हम हैं सेक्टर 10 में, द्वारका में, और ये है सामने मेला, ठीक है। ये देखें आप, भीड़ देखें पहले, ये मेन चौक है, ऊपर से मेट्रो जाती है, वो मेट्रो दिख रही है आपको, मतलब मेट्रो का रूट दिख रहा है आपको। ये देखें आप, ये दिख सकता है आपको सामने श्री रामलीला सोसाइटी, अंदर रामलीला भी होती है, और यहाँ पे पुलिस की जो व्यवस्था काफ़ी अच्छी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसका एंट्रेंस है, काफ़ी ग्रैंड है, विशाल है, अच्छा है, सुंदर है। यहाँ से हम एक लाइन है पुरुषों के लिए, साइड में एक जो लाइन है वो महिलाओं के लिए है, तो वो आप देख सकते हैं, वो लेडीज़ की लाइन है। तो ये हम अंदर आ गए हैं, ये देखें आप 200 रुपीज़ से। अच्छा हाँ, एंट्री टिकट फ्री है, सिर्फ पार्किंग आपको पे करनी पड़ेगी। पार्किंग जैसा मैंने बताया 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ फॉर 2-व्हीलर एंड 4-व्हीलर रिस्पेक्टिवली। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ राइड्स हैं, डिफरेंट प्रकार के झूले हैं। ये वाला भी देखें 200 रुपीज़ का है। मोस्ट ऑफ द झूले जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द राइड्स दे विल कॉस्ट यू अराउंड 200 रुपीज़, 200 रुपये की राइड्स हैं। कुछ कुछ 100 रुपये की भी थी, बट 100 रुपये से नीचे कुछ भी नहीं है सारी की सारी राइड्स। बाकी जो है इसकी पार्किंग मुझे कॉस्टली लगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं द्वारका यहीं इसी रोड क्रॉस करके एक और सेक्टर 11 में गया था, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में 50 रुपीज़ थी कार पार्किंग, और 20 रुपीज़ थी 2-व्हीलर की पार्किंग, लेकिन वहाँ पे एंट्री फीस थी। यहाँ पे ये अच्छा है कि एंट्री फीस नहीं है। ये देखिए आप, अलग अलग किस्म के बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। मेरी भी प्यारी सी बेटी है जियाना अहलावत, तो उनके साथ में आया हूँ, वाइफ बेटी, मूंग दाल राम लड्डू, रोड स्टार, तंदूरी चाय, क्या बात है। मैं ना एक्चुअली 2-3 बार गया हूँ मेले में, मेले खाने में मज़ा सा नहीं आता, तो इस बार मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि खाने की, बस वाइफ को आइसक्रीम लेनी थी तो मैंने एक उनको अमूल से आइसक्रीम दिला दी है। बाकी आप ये देखें जायंट व्हील, झूले शूले, तो इस प्रकार हैं, देख सकते हैं आप सारी चीज़ें। अच्छा, राइड्स भी यहाँ पे, सॉरी टू से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कुछ मुझे कुछ खास नहीं लगी। 4-5 ही राइड्स हैं जो कि रिपीट की हुई हैं हर जगह बार बार, जैसे एक रेक्टेंगल सा बना हुआ है, तो रेक्टेंगल के जो चारों साइड्स होते हैं उस प्रकार वही 4-5 झूले हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, अंदर से ये रामलीला है हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये चेहरे वगैरह हैं, काफ़ी सारा बैठने का इंतज़ाम है, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये फूड सेक्शन है, ये डोमिनोज है, ये बड़ा अच्छा दिखा मुझे, क्योंकि नॉर्मली मेलों में मैंने डोमिनोज कभी देखा नहीं, तो यहाँ दिखा। ये सामने जो है भूत बंगला, हॉरर हाउस जिसे हम कहते हैं, इसकी भी 200 रुपीज़ की टिकट है, और आप देख सकते हैं इसे भी चाहें तो। ये है के पिज़्ज़ा हट, ये एक और राइड है, टिकट घर है, 200 रुपये की इसकी टिकट है। ये टिकट काउंटर वाले भाई साहब अंदर बैठे हुए हैं। इस प्रकार से आप झूले वगैरह राइड्स कर सकते हैं यहाँ पे। पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, ये देखें आप 100 रुपीज़ का ये राइड है। इस प्रकार से ये छोटा झूला हो गया तो ये 100 रुपये की, बाकी जो बड़े झूले हो गए वो 200-200 रुपये की टिकट है, 200 से ऊपर कोई नहीं टिकट थी। ये एक और, ये बच्चों का है, ये भी 100 रुपये का है। छोटे छोटे बच्चों को अब जियाना बड़ी होने लगेंगी धीरे धीरे, तो उनके साथ आया करेंगे तो वो काफ़ी इन्जॉय करेंगी, और उन्हें इन्जॉय करते हुए देख हम इन्जॉय करेंगे। ये एक और आप देख सकते हैं, एक और झूला है इस प्रकार से, ये क्या बात है। ये सोनीपत गया था तो मैंने ये वाला झूला देखा था, इसमें मेरे रिश्तेदार की बच्ची है मायरा, वो बैठी थी, और ये देखें छोटे छोटे बच्चों के लिए। अच्छा है, यहाँ पे दशहरे के दिन ये सब कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था, तो हम आए थे और हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आता हूँ तो मैं वीडियो तो ज़रूर बनाता हूँ, ताकि आप सबके साथ जो मैं देख रहा हूँ उसे मैं शेयर कर सकूँ।